इंडियन डेंटल एसोसिएशन गोरखपुर के तत्वाधान में विश्व कैंसर जागरूकता दिवस पर गोरखपुर के डेंटल सर्जन्स ने निकाली जागरूकता रैली। आम जनमानस को कैंसर से बचाव के लिए किया जागरूक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में वृहद रोजगार मेले में 15,009 चयनित अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। कहा, विद्यालय इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप चलाए पाठ्यक्रम। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा तथा पत्रकारिता विभाग द्वारा आयोजित प्रोफेसर रामचंद तिवारी एवं डॉक्टर प्रेमव्रत तिवारी द्वारा लिखित हिंदी गद्य का साहित्य के 15वें संस्करण पुस्तक का किया विमोचन। कहा, यह पुस्तक लोगों को देगी नई प्रेरणा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। 300 फरियादियों की सुनी फरियाद। कहा, सबकी समस्या का होगा समाधान, सरकार करेगी हर संभव मदद। गोरखपुर में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते रविवार को छाए रहे घने बादल, गरज चमक के साथ पूरे दिन पड़ती रही बौछारें, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर फार्मासिस्ट डॉक्टर शिवशंकर पांडे ने किया प्रेस वार्ता। कहा, भारतीय जनता पार्टी को पुनः सरकार बनाकर नरेंद्र मोदी को एक बार और प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव करने के लिए लोगों को करेंगे जागरूक। शहीद बंधु सिंह पार्क में बनने वाली मल्टी लेवल पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए शनिवार रात से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई शुरू। बचे हुए दुकानदारों के पास 5 फरवरी तक का है समय। 6 फरवरी से सभी दुकानों को तोड़कर जगह कराई जाएगी खाली। आईएपी ब्रांच गोरखपुर द्वारा तारामंडल स्थित एक निजी अस्पताल में गोरखपुर में एडवांस बायोमैकेनिकल करेक्शन ऑफ पेल्विक एंड लंबर स्पाइन पर एक दिन का फिजियोथेरेपी वर्कशॉप का किया गया आयोजन। स्पाइनल प्रॉब्लम में फिजियोथेरेपी की उपयोगिता पर डाला गया प्रकाश।